हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस। में माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, जो बिहार पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने यूनिट सेकंड की तरफ। यूनिट सेकंड है हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, हमारी यूनिट है सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पर फंक्शन एंड लिमिट। टॉपिक है हमारा यहाँ पर फंक्शन एंड लिमिट। हमें जो आज पढ़ना है यहाँ पर, हमें फंक्शन के बारे में पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, देखो क्या है। अ फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट्स हैविंग वन आउटपुट। कि हमारे क्या है, फंक्शन एक रिलेशन है का सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर मैं यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स y is equals to fx, y क्या है मेरे यहाँ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर x क्या है मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये y जो है ये x की वैल्यू पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, हम यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो इट मीन्स क्या है कि ये x जो है ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, y हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके का, यही हमारा क्या कहलाया जाता है, यही हमारा होता है फंक्शन। तो समझ में, फंक्शन होता है क्या, देखो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया y इज इक्वल टू 2x + 3, तो ये मेरा फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक, तो देखो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करती हूँ, x की वैल्यू डिफरेंट, देखो यहाँ पर मैं x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो y क्या मिलेगा, 2 × 1 + 3 = 5। x की वैल्यू 2 रखी यहाँ पर, तो y क्या मिलेगा, 2 × 2 + 3 = 4 + 3 = 7। इस तरीके से देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो हम 1, 2, 3 ये हम इनपुट्स पुट कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट क्या मिला है, 5, 7। अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो आउटपुट क्या मिला मेरे को, 5 मिला। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखी तो आउटपुट क्या मिला, 7 मिला। तो यही हमारा क्या कहलाया जाता है, यही हमारा फंक्शन कहलाया जाता है। अब देखो डेफिनेशन पर आते हैं, वही लिखिए यहाँ पर। अ फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन सेट ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स जो हम वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, हैविंग वन आउटपुट। देखो अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं, जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो हमारा इनपुट होता है, जो वैल्यू हमें पुट करने पर मिलती है वो हमारा आउटपुट कहलाया जाता है। तो इन दोनों के बीच में ही जो रिलेशन है वही हमारा क्या डिफाइन करता है, फंक्शन डिफाइन करता है। ठीक है, तो आया सभी को समझ में, ये है हमारा फंक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, या फंक्शन की वैल्यू किस तरीके से यहाँ पर हम अपनी फाइंड करते हैं। हमारा फंक्शन क्या है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी, अ फंक्शन हमारा फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी, एक फंक्शन गिवन है। अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ एक्स की जगह पर, पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन given function, x की जगह पर मैंने यहाँ पर क्या रखा, a रखा, तो मेरे को क्या मिलेगा, y is equals to f a type, यही तो मिलेगा, और यही मेरा क्या कहलाया जाता है, value of a function। तो यही मेरी क्या कहलाई जाएगी, f a is the value of the function। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पर function। example लो, यहाँ पर example लेते हैं, y is equals to 2x² + 3x + 3। यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन गिवन है, y is equal to 2x + 3x + 3। इस टाइप का हमारे पास क्या है, फंक्शन गिवन है, देन फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हमें f2 निकालना। ठीक है, तो f2 किस तरीके से निकालेंगे, हमें क्या करना है, हमें बताइए y फंक्शन है, yx is equal to लिखा हुआ है 2x² + 3x + 3। ठीक, हमें यहाँ पे f लिख लो एफ एक्स। ठीक है, फंक्शन है ये हमारा लिखा हुआ, तो हमें क्या निकालना है, f2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x जहाँ फंक्शन में x है वहां पर क्या पुट करना है, हमें 2 पुट करना है। तो रखो वैल्यू 2x² + 3x की वैल्यू 2 + 3, 2² = 4, 4 × 2 = 8 + 3 × 2 = 6 + 3, कितना है, 9 + 8 = 17। तो यहाँ पर देखो f2 क्या मिला मेरे को, 17, यही मेरी क्या कहलाया जाएगा, फंक्शन, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन।
टू पर क्या मिल रहा है यहाँ पर 70। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। आया सभी को समझ में इतना? ये है मेरा यहाँ पर फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू किस तरीके से यहाँ पर अपनी फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन भी काफी तरीके के होते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम फंक्शंस के काइंड पढ़ेंगे। फर्स्ट देखो क्या है, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, कि अगर मेरा कोई फंक्शन सिंगल वेरिएबल में है, सिर्फ उस फंक्शन में एक ही वेरिएबल कंटेन होता है, तो वो मेरा क्या कहलाया जाता है, फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। तो जैसे ये लिखा हुआ है एग्जांपल, अगर मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 3x + 3, देखो ये फंक्शन जो है ये सिर्फ एक वेरिएबल में है, किसमें, एक्स में, एक्स वेरिएबल ही तो है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 3x + 3, तो ये मेरा क्या कहलाया जाएगा, फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। अ फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इनेबल्स द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल बी डिटरमाइंड व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज स्पेसिफाइड। ठीक है, देखो जब y इक्वल्स टू f थीटा, तो y मेरा फंक्शन है किसका, थीटा का, एक ही वेरिएबल है, तो ये मेरा क्या कहलाया जाएगा यहाँ पर, सिंगल वेरिएबल। ये तो हुआ हमारा यहाँ पर सिंगल वेरिएबल। अब देखो सेम एज इट इज, यहाँ पे y क्या है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, और थीटा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हम थीटा की जगह कुछ भी रख सकते हैं, हम फ्री हैं, थीटा की वैल्यू कुछ भी हम 1, 2 कुछ भी हम रखें, लेकिन y की वैल्यू क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है किस पर, इस थीटा पर। जब हम थीटा पुट करेंगे तभी हमें y मिलेगा, तो क्या है ये y मेरा डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये था मेरा यहाँ पर फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। अब बात करते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ अ मैनी वेरिएबल। अब देखो ये क्या है, अगर मेरे यहाँ पर फंक्शन कंटेन कर रहा है मोर देन वन वेरिएबल, तो वो मेरा क्या कहलाया जाता है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ अ मैनी वेरिएबल। एग्जांपल लेते हैं, जेड इज इक्वल्स टू, जेड कोई फंक्शन है किसका, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो मेरे यहाँ पर जेड फंक्शन है किसका, एक्स और वाई वेरिएबल का। देखो एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो ये मेरा क्या कहलाया जाएगा, फंक्शन ऑफ मैनी वेरिएबल। यहाँ पर हम z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y थीटा। यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरा फंक्शन z किसका फंक्शन है, x y थीटा का, मोर देन वन वेरिएबल है, तो ये भी मेरा मैनी वन वेरिएबल, मतलब मैनी वन फंक्शन कहलाया जाए। एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 4x² + 3x + 9xy। ठीक है, तो देखो दो वेरिएबल है, इस तरीके के फंक्शन क्या कहलाए जाते हैं, फंक्शन ऑफ मैनी वन वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इफ एन एल्जेब्रिक फंक्शन वेयर द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि अगर हम किसी एल्जेब्रिक फंक्शन को क्या कर सकें, देखो इफ एन एल्जेब्रिक फंक्शन वेयर, जहाँ पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं किस टर्म में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में, वही हमारा क्या कहलाया जाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाया जाता है। क्या करना है, कोई भी हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, उस एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं किस में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाया जाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाया जाता है। टाइप ऑफ y = x की पावर 4 + 2x + 7, y = x upon 1 + x²। देखो y को डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है भाई, एल्जेब्रिक फंक्शन ही तो है ये, एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या, y है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम स्पष्ट रूप से डिफाइन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, तभी हम उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब ये तो है हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात,
अगर हम यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करें, इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो यहाँ पे वाई प्लस टू एक्स साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर तो हमारा क्या आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ गया, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हम देखो इसको स्पष्ट रूप से क्या नहीं कर सकते, इसको हम स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्या नहीं कर, डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो इस तरीके के हमारे क्या कहलाए जाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाए जाते हैं। आया सभी को समझ में? यहाँ पर देखो हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं एक्स की वाई को, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इंडिपेंडेंट फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर भी हम वाई को कर रहे हैं, देखो एक्स अपॉन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेस किया हुआ है, बट यहाँ पर नहीं किया हुआ, देखो y यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। इस तरीके के फंक्शन हमारे क्या कहलाए जाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाए जाते हैं। आयत ना सभी को समझ में, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पर इवन फंक्शन की बात करूं, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन मान के चलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ y is a function of x, यहाँ पर मेरा y function है किसका, f x का है। if अगर मैं इस function के अंदर if f of x की जगह minus x रखूं, क्या रखूं, f की जगह पर सॉरी x की जगह पर यहाँ पर क्या रखते हैं, माइनस एक्स रखते हैं, तो माइनस एक्स रखने पर मेरे को एफ एक्स मिलता है, तो वही मेरा क्या कहलाया जाता है, यहाँ पर मेरा इवन फंक्शन कहलाया जाता है। क्या फंक्शन के अंदर x की जगह पर माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स मिलता है, तो वही मेरा क्या कहलाया जाता है, यहाँ पर इवन फंक्शन कहलाया जाता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर टाइम, ठीक है, यहाँ पर या सिर्फ कॉस एक्स ले लो, कॉस एक्स ले लो, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स किस टाइप का, कॉस एक्स टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, अब हमें यहाँ पर करना है क्या, अब फंक्शन ने बताया क्या करना है, x की जगह पर माइनस एक्स रखा हमने, यहाँ पर क्या आएगा कॉस माइनस एक्स, वही रख सकते हैं यहाँ पर, क्या है हमारा कॉस माइनस एक्स। अब देखो, अब कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा क्या होता है, ये हमारा कोस थीटा होता है, हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है, ये तो होता है कोस माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं कोस एक्स, लिख सकते हैं, और ये कोस एक्स है क्या हमारा, एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स ही तो है ये। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने एफ ऑफ माइनस एक्स रखा और मेरे को क्या मिला, यहाँ पर एफ एक्स मिला। तो इस तरीके का फंक्शन हमारा क्या कहलाया जाता है, इवन फंक्शन, ये है हमारे यहाँ पर इवन फंक्शन, ठीक, ये तो इवन फंक्शन हुआ। अब मैं यहाँ पर बात करूँ एफ एक्स इज इक्वल, अब यहाँ पर एफ माइनस एक्स ही रखते हैं और मेरे को मिलता है माइनस के एफ एक्स, तो इस टाइप का फंक्शन कहलाया जाता है मेरा ओड फंक्शन, क्या कहलाया जाता है यहाँ पर मेरा ओड फंक्शन, ठीक है। अब देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस, तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, ओड फंक्शन। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एफ एक्स, मैंने एक एग्जाम्पल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये मैंने लिया। अब देखो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करूँ, एफ की जगह माइनस एक्स रखती हूँ, यहाँ पर रखा तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, तो ये क्या आएगा, माइनस के एक्स क्यूब, और इस एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। देखो क्या गया ना यहाँ पर, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, इस टाइप का हमारा फंक्शन जो कहलाया जाता है वो कहलाया जाता है हमारा यहाँ पर ओड फंक्शन। आए सभी को समझ में? बस यही चीज हमें याद रखनी है कि f ऑफ माइनस एक्स अगर मेरा एफ एक्स के इक्वल आता है तो ये मेरा इवन फंक्शन कहलाया जाता है, ये मेरा इवन फंक्शन होता है। f ऑफ माइनस एक्स मेरा माइनस f ऑफ x के इक्वल आता है तो ये मेरा ओड फंक्शन। आया समझ सभी को?
इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। ठीक, ये तो थी मेरी यहाँ पर इवन और ऑड फंक्शन की। अब देखते हैं, ऑड फंक्शन अभी बता दिया, अब बात करते हैं हम यहाँ पर एलजेब्रिक फंक्शन। अब एलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, एलजेब्रिक फंक्शन हमारे क्या होता है, देखो जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं जो अभी पढ़े थे, fx is equal to x square plus वेरिएबल की पावर की फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये मेरा क्या है एलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, 7x² + 2fx = ये भी मेरा क्या है एलजेब्रिक फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन हमारे क्या कहलाया जाता है एलजेब्रिक फंक्शन कहलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एलजेब्रिक फंक्शन हुआ। अब पॉलीनोमियल फंक्शन की बात करते हैं कि पॉलीनोमियल फंक्शन क्या होता है। अब देखो पॉलीनोमियल फंक्शन किस तरीके का होता है, पॉलीनोमियल के फॉर्म में लिखा होता है px = a₀x^(n+a₁x^(n-1) + a₂x^(n-2) + z′ + a₁, वेयर जहां पर मेरे a₀, a₁, a₂ ये क्या है मेरे कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस तरीके के फंक्शन क्या कहलाया जाता है हमारा पॉलीनोमियल फंक्शन, जिसके अंदर काफी ज्यादा वेरिएबल हो, n वेरिएबल हो। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाया जाता है पॉलीनोमियल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि a डज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है is not equals to, ठीक है, और n मेरा क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर से नो। इस टाइप के फंक्शन हमारे पॉलीनोमियल फंक्शन कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या है, वो फंक्शन जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, या कह दो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें फंक्शन दिया fx = px/qx टाइप का, वेयर qx डज नॉट इक्वल्स टू, तो इस टाइप का फंक्शन मेरा क्या कहलाया जाता है रेशनल फंक्शन कहलाया जाता है। आया सभी को समझ में, रेशनल फंक्शन होता क्या है हमारा, fx = px/qx टाइप के फंक्शन हमारे रेशनल फंक्शन कहलाए जाते हैं। एग्जांपल देखो fx = 4x² + 2x + 3/px / qx, तो इस टाइप का फंक्शन क्या कहलाया जाएगा हमारा यहाँ पर रेशनल फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। अब ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन क्या होता है, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन आर फंक्शन दैट आर नॉट एलजेब्रिक, जो मेरा एलजेब्रिक फॉर्म में नहीं होता है वो मेरा ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन कहलाया जाता है। इट मीन जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होता है एक तरीके। ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन फंक्शन आर फंक्शन दैट आर नॉट एलजेब्रिक, जो एलजेब्रिक फंक्शन की फॉर्म में नहीं है वो मेरा ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन कहलाया जाता है। देखो y = sin ax e^x, ट्रांसकेंडेंटल को छोड़ के बाकी सभी फंक्शन, सॉरी एलजेब्रिक फंक्शन को छोड़कर बाकी सभी फंक्शन हमारे ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन कहलाए जाते हैं। देखो साइन ए एक्स है, e^x है, log x + 1 है, इस तरीके के फंक्शन में क्या कहलाए जाते हैं ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल। वो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जो मेरा क्या करता है यहाँ पर कुछ मतलब पीरियड के बाद, या कह दो कुछ टाइम इंटरवल के बाद मेरा फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस टाइप का फंक्शन मेरा क्या कहलाया जाता है पीरियडिक फंक्शन कहलाया जाता है। ठीक है, क्या है फंक्शन हमारा पीरियडिक फंक्शन, के कुछ टाइम ऑफ इंटरवल के बाद हमारा फंक्शन अगर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है तो वो मेरा पीरियडिक फंक्शन कहलाया जाता है। देखो अगर साइन एक्स के ग्राफ की बात करें, तो ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो पीरियड हमारा चेंज होने लग जाता है, भाई पाई 2π के बाद हमारा क्या होता है पीरियड चेंज होता है। देखो साइन एक्स प्लस 2π, साइन एक्स प्लस 4π, तो इसका टाइम पीरियड क्या रहता है 2π। ठीक है, तो इस तरीके के फंक्शन क्या कहलाया जाता है मेरा पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट है मेरा फंक्शन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन क्या है, अब देखो यहाँ पर फंक्शन ऑफ द फंक्शन है क्या, लेट fx एंड gx आर टू फंक्शन ऑफ x वेरिएबल। हमारे पास क्या, अब मेरे पास दो फंक्शन है fx और gx, किस वेरिएबल का है x वेरिएबल। देन फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो इस टाइप का फंक्शन मेरा क्या कहलाया जाता है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। देखो f ऑफ gx का मतलब यहाँ पर है क्या,
एफ ऑफ जी एक्स ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो जी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स। पहले यहाँ पे जी एक्स का फंक्शन निकालेंगे एंड देन उसके बाद एफ एक्स में पुट करके हम अपना यहाँ पर फंक्शन ऑफ द फंक्शन फाइंड कर सकते। ठीक है, ये थी हमारी यहाँ पर कुछ डेफिनेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। हमारे पास क्या एक फंक्शन गिवन है इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, f2, f माइनस 1, f माइनस 1 बाय 2 एंड f x प्लस h माइनस f x अपॉन में h। हमें क्या करनी है, एक फंक्शन गिवन है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टाइप। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। अब हमें यहाँ पर करना है क्या, इस फंक्शन के अंदर हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी f जो की, तो f जीरो निकालते हैं। क्या करना है, x की जगह पर फंक्शन के अंदर x की जगह पर जीरो पुट करना है। तो रखो वैल्यू 2 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 4 इंटू जीरो प्लस 1। वैल्यू देखो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो प्लस जीरो और प्लस 1। तो यहाँ से मेरी f0 की वैल्यू जो आ गई वो आई मेरी यहाँ पर 1 आई, 1 ही आई क्योंकि यहाँ पर 1 बचा है। नेक्स्ट है मेरा f2, फंक्शन के अंदर x की जगह पर 2 रखो, 2 तो है यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1, कितना है यहाँ पर ये 17। तो यहाँ पर मेरी f2 की वैल्यू आई 17। यहाँ पर f2 की वैल्यू आई यहाँ पर 17। अब देखो f2 की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालनी है f माइनस 1 की वैल्यू। f माइनस 1 निकालते हैं हम यहाँ पर, माइनस 1 क्या आएगा यहाँ पर, x की जगह पर माइनस 1 रखना है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 प्लस 1। ठीक, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2, 2 माइनस 4 प्लस 1, यहाँ पर आया माइनस 1। तो f माइनस 1 की वैल्यू है यहाँ पर माइनस। नेक्स्ट है हमारा f माइनस 1 बाय 2, f माइनस 1 बाय 2 रखते हैं यहाँ पर, f माइनस 1 तो 2 माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको, देखो माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4 और 2 इंटू 1 बाय 4 फिर प्लस, यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस 2 से इसको कैंसिल किया आउट किया तो 2 टाइम्स होगा ये और यहाँ पर आएगा ये प्लस 1, यहाँ पर आया 2 तो आया 1 बाय 2 माइनस 1 तो यहाँ पर आया माइनस के 1 बाय 2। तो f माइनस 1 बाय 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, f माइनस 1 बाय 2 की वैल्यू मिली तो माइनस के 1 बाय। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पर, नेक्स्ट है क्या हमारा यहाँ पर f of x plus h minus fx upon में h। तो हम पहले यहाँ पर f of x x plus h f of x plus h minus fx upon में h ये फाइंड करना। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे निकालते हैं f of x plus h निकाल लें। एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालते हैं, इसकी जगह पर हमें क्या रखना है एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 रखा हमने यहाँ पर। अब इसे सॉल्व किया, देखो क्या आएगा 2 ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एक्स एक्स एच प्लस 4 एक्स प्लस 4 एच प्लस। ठीक है, इस 4 की मल्टीप्लाई कर दी एक्स एक्स प्लस एच ब्रैकेट के अंदर तो यह है हमारे यहाँ पर अब देखो कितना आया, ये हमारी वैल्यू आई है एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, एफ एक्स भी चाहिए, एफ एक्स हमें पता ही है क्या है हमारा, एफ एक्स है हमारे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये हमारा एफ एक्स।
अब देखो अब हमें वैल्यू निकालनी किस, अब हमें वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, और ये वैल्यू निकालनी है अब हमें। देखो ये वैल्यू हमने निकाल ली, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टू एक्स स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे टू एच स्क्वायर प्लस फोर एक्स एच प्लस फोर एक्स प्लस फोर एच प्लस वन, ये तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। यहाँ पर है ये हमारी माइनस में एफ एक्स की वैल्यू क्या है टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस, और अपॉन में है हमारा यहाँ पर एच, ये हमारा। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एच स्क्वायर प्लस फोर एक्स एच प्लस फोर एक्स प्लस फोर एच प्लस वन, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन, और अपॉन में क्या देखो माइनस फोर एक्स से ये प्लस फोर एक्स कैंसिल हुआ, प्लस वन से ये माइनस वन कैंसिल आउट हुआ, और ये माइनस टू एक्स स्क्वायर से ये प्लस टू एक्स स्क्वायर से माइनस टू। यहाँ पर हमारा बच्चा क्या है, यहाँ पर टू एच स्क्वायर और हमारे यहाँ पर फोर एक्स एच प्लस फोर एच अपॉन में एच, एच ऊपर से कॉमन लेते हैं और नीचे भी एच है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो देखो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा टू एच, यहाँ से हमने ऊपर से एच कॉमन लिया, एच कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा टू एच प्लस फोर एक्स प्लस फोर और अपॉन में एच, इस एच से एच कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर जो आया मेरा या फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच की वैल्यू आई है मेरी यहाँ पर टू एच प्लस एक्स प्लस, ठीक है ये मेरी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स, क्या वैल्यू है टू एच प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ठीक है इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, क्या है हमारे पास इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स देन प्रूव दैट एफ इज एफ ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एफ एक्स, हमें क्या प्रूफ करना है, हमारे पास फंक्शन गिवन है इस टाइप का एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स टाइप का, अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, हमें फंक्शन ऑफ टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर इस एक्स की जगह पर वैल्यू क्या रखनी है, भाई फंक्शन ये गिवन है इसमें हमें x की जगह पर क्या रखना है टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बनना चाहिए यहाँ पर टू इंटू एफ एक्स बनना चाहिए, ठीक है देखो फंक्शन है हमारे पास गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन में वन, ये फंक्शन गिवन है हमारे पास, हमें क्या प्रूफ करना है फंक्शन ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं क्या करती हूँ एल एच एस पार्ट लेते हैं फंक्शन ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिया मैंने यहाँ पर, अब देखो इस x की जगह पर क्या रखना है टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, रखते हैं यहाँ पर वैल्यू तो वन प्लस एक्स की जगह पर टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस, ये रखी हमने यहाँ पर वैल्यू, सॉल्व करो इसे क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम लिया तो ऊपर वन प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ऐसे सेम यहाँ पर एलसीएम लिया तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है अब देखो लॉग यहाँ पर देखो फंक्शन लिखा है रेशनल ए अपॉन बी अपॉन में सी अपॉन डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू डिवाइड में लिखा हुआ है तो रेसिप्रोकल हो जाता है डी अपॉन सी, तो हम क्या करते हैं नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं, देखो क्या आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये आया हमारे यहाँ पर, ठीक है अब देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना है वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट करना है, यहाँ पर ये वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर क्या बचा लॉग
वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये बचा है यहाँ पर। अब देखो अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है इसकी a प्लस बी के होल स्क्वायर की। देखो इसे हम लिख सकते हैं log, और ये लिखा है वन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तरीके का बन रहा है सेम एज इट इज नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए। ठीक, ऊपर वाली आइडेंटिटी क्या बनी यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो हम इसे लिख सकते हैं वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये है हमारा ये। ठीक है, आया सभी को इतना समझ में। यहाँ पर हमने लिखा, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं log वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और हमने यहाँ पर लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी भी, तो क्या होती है log a की पावर m है, तो यहाँ पर क्या होता है पावर वेरिएबल की पावर आगे आ जाती है, फिर फंक्शन बाकी का मतलब इसी तरीके से लिख सकते हैं, क्या आएगा m log a, पावर आगे आ जाती है ना log की, log a की पावर m क्या होता है m log a, तो सेम एज इट इज ये लिखा हुआ है log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू log 1 प्लस x अपॉन में 1 माइनस x। ठीक है, अब देखो कि log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x है क्या हमारा यहाँ पर, यही तो हमारा f x था भाई, log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x है क्या यहाँ पर f x, तो मैं यहाँ पर क्या रख सकती हूँ इसकी जगह पर f x रखें और 2 इंटू f x, यही हमें क्या करना था प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं इसकी जगह पर 2 f of x, और यही चीज हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। आए सभी को इतना समझ में, इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इफ f x इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस, मेरे पास क्या गिवन है एक फंक्शन गिवन है f x 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन f x, हमें क्या करना है हमें f x का फंक्शन पर फंक्शन फाइंड करना है, मतलब f ऑफ f x। ठीक है, देखो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो f x है क्या मेरे यहाँ, भाई f x है मेरे यहाँ पर 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, मेरे को फाइंड क्या करना है f ऑफ x, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं f ऑफ f x, वही लिख सकते हैं। पहले देखो f x की वैल्यू है क्या यहाँ पर रखते हैं f x की वैल्यू है क्या 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस, मैंने यहाँ पर रख दी वैल्यू, क्या किया एफ एक्स की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया है, ये क्या है यहाँ पर एफ ऑफ वन प्लस, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ इस एफ ऑफ वन प्लस एक्स, एफ एक्स है क्या मेरा ये, अब हमें जो क्या फाइंड करना है एफ ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, अब यहाँ पर एक्स की जगह पर फंक्शन के अंदर एफ तो चल ही रहा है मेरा, यहाँ पर क्या पुट करना है यहाँ पर, अब इस एक्स की भाई इस फंक्शन एफ एक्स ये है और हमें फंक्शन क्या निकालना है एफ ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, तो इस एक्स की जगह पर हमें क्या रखना है वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, तो रखे यहाँ पर क्या आएगा वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स की जगह पर ही रखना है ना, तो ये आ गया वन प्लस एक्स अपॉन, ठीक है अपॉन में वन माइनस एक्स है, तो देखो यहाँ पर क्या रखेंगे वन माइनस एक्स की जगह पर वन प्लस एक्स अपॉन में रखी हमने यहाँ पर वैल्यू, सोल्व करो इसे, फंक्शन चल रहा है पर एफ बाहर है एक, क्या आएगा वन माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स अपॉन में वन माइनस, क्या आया नीचे वन माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स, एलसीएम लिया यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस, क्या आया मेरे यहाँ पर एलसीएम लिया तो आया वन माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस वन प्लस एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो
वैल्यू पुट किया हमने यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको सॉल्व किया ऑफ, यहाँ पर देखो माइनस एक्स से ये प्लस एक्स कैंसिल हुआ तो ऊपर बचा टू अपॉन वन माइनस एक्स, और नीचे देखो वन माइनस एक्स माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की तो ये आया हमारा, और नीचे वन माइनस एक्स, इस प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर जो बचा फंक्शन ऑफ टू अपॉन वन माइनस एक्स, और अपॉन में क्या पे बचा माइनस के टू एक्स अपॉन में वन माइनस, और ये बचा हमारा यहाँ पर ऑफ यहाँ पर टू अपॉन वन माइनस एक्स और इन टू वन माइनस एक्स अपॉन में माइनस टू एक्स, वन माइनस एक्स से वन माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर ये टू से टू कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर बचा हमारा एफ ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स, ये वैल्यू आई हमारी। एफ एक्स है क्या हमारा यहाँ पर, एफ एक्स था हमारा वन प्लस एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स। अब हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एफ ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स, तो अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस एक्स की जगह पर क्या रखना है माइनस के वन अपॉन एफ, मतलब माइनस वन अपॉन एक्स वैल्यू रखे निकाले सॉरी माइनस वन अपॉन एक्स की, देखो x की जगह पर रखना है यहाँ पर माइनस के वन अपॉन एक्स अपॉन में वन माइनस माइनस वन, वैल्यू पुट की सॉल्व किया वन माइनस वन अपॉन एक्स और यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन एक्स, एलसीएम लिया x कराए x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन अपॉन में, ये x से x कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स क्या आई है एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस, ये हमारे यहाँ पर क्या आ गई इसकी वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम फंक्शन ऑफ अ फंक्शन वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है क्या, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, हमारे पास ये गिवन है, देन प्रूव दैट फंक्शन ऑफ एफ ऑफ कोस थीटा फाइंड करना, और क्या प्रूव करना है कोस थीटा के इक्वल दिखाना। देखो एल एच एस एफ एक्स क्या है हमारा यहाँ पर वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, हमें क्या निकालना है फंक्शन ऑफ, पहले यहाँ पे मैं क्या करती हूँ भाई, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ कोस थीटा, तो यहाँ पर मैं एफ कोस थीटा की वैल्यू निकालू, एफ कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी एक्स की जगह पर कोस थीटा तो वन माइनस कोस थीटा अपॉन में वन प्लस, क्या आ गई हमारी यहाँ पर वैल्यू। अब देखो ये वैल्यू पुट किया हमने, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं वन प्लस वन माइनस कोस थीटा क्या होता है, ये होता है हमारे यहाँ पर टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और नीचे यहाँ पर वन प्लस कोस टू थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू, ये वन माइनस कोस टू थीटा बाय टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू किस तरीके से आया, देखो कोस टू थीटा की आइडेंटिटी, कोस टू थीटा होता क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी हमारी तीन होती है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होती है एक तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस टू थीटा के बराबर होता है, नेक्स्ट वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ये भी मेरा कोस थीटा के बराबर होता है, और नेक्स्ट है मेरे यहाँ पर टू टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये भी मेरा क्या होता है कोस टू थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो यहाँ से अगर कोस टू थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, आइडेंटिटी बनाओ इसको इस साइड ले जाएंगे टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कोस, क्या के माइनस टू को इस साइड ले गए मतलब माइनस टू साइन थीटा स्क्वायर एलएचएस में और कोस टू थीटा इधर, तो वन माइनस कोस टू थीटा की जगह लिखा टू साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पर डबल एंगल है और इसका ये यहाँ पर हाफ आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया वन माइनस कोस टू कोस थीटा है तो इसका हाफ हो गया, थीटा का हाफ एंगल थीटा बाय टू, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर हमने अपनी वैल्यू निकाली है सेम एज इट इज कोस के लिए वन प्लस कोस, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू सोल्व हुई, यहाँ पर हमें क्या करना है टू से टू कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर बचा टेन स्क्वायर थीटा बाय टू हुआ, यहाँ पर भाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, फिर टेन स्क्वायर थीटा हुआ, ये किसकी वैल्यू आई एफ ऑफ कोस थीटा की, टेन स्क्वायर थीटा बाय क्या गई हमारी ये वैल्यू। अब हमें निकालना क्या था यहाँ पर, ये तो हमने एफ ऑफ कोस थीटा निकाला, एक और फंक्शन है यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर एफ ऑफ एफ कोस थीटा, अब देखो एफ एफ ऑफ कोस थीटा की वैल्यू है क्या यहाँ पर हमारी टेन स्क्वायर थीटा बाय
ये वैल्यू है हमारी टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमें याद निकालना है एफ ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। फंक्शन क्या था हमारे यहाँ पर, एफ एक्स क्या है वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की जगह पर क्या पुट करना है हमें, टेन स्क्वायर थीटा बाई। देखो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये फंक्शन है हमारे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमें क्या रखना है, एक्स की जगह पर टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, देखो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू और अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है यहाँ पर कोस थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा होता है कोस टू थीटा। देखो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म, तो सॉल्व करके यही है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एंगल हाफ है। देखो फॉर्मूला था यहाँ पर ये वन स्क्वायर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन, इसके इक्वल होता है कोस टू थीटा के। यहाँ पर एंगल थीटा था तो यहाँ पर इसका ट्वाइस है। देखो यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा बाई टू का ट्वाइस क्या हो जाएगा, टू इन टू थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर यह आया कोस, तो यहाँ पर हमारी एफ ऑफ एफ कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पर कोस थीटा, और यही हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी। ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो if f x is equals to 2x square root of 1 minus x square then prove that f of sin x by 2 is equals to sin x। हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, f x गिवन है 2x square root of 1 minus x square, then prove that हमें क्या निकालना है, फंक्शन ऑफ sin x by 2 फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर, हम x की जगह पर हमें क्या रखना है sin x by 2 रखना है। तो हम देखो f of x क्या गिवन है हमारा 2x स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा गिवन है। हमें चाहिए यहाँ पर एफ ऑफ साइन एक्स बाय टू की वैल्यू। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्स की जगह पर क्या रखना है साइन एक्स बाय टू, वैल्यू पुट करो टू इन टू, एक्स की जगह रखा है यहाँ पर साइन एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स बाय टू का, ये रखा हमने वैल्यू। अब देखो यहाँ पर ये टू इंटू साइन एक्स बाय टू आइडेंटिटी, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, देखो यहाँ पे चाहिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे वन माइनस इस साइन को इस साइड ले गए तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ये लिखा हुआ है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय, ठीक है साइन एक्स बाय टू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू को क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, यहाँ पर ये यह आएगा टू साइन एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, एंगल हाफ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये कोस स्क्वायर एक्स बाय टू है, अब टू साइन एक्स बाय टू को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाय टू का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर देखो क्या बचा है टू साइन एक्स बाय टू, टू साइन एक्स बाय टू और इंटू में कॉस एक्स बाय, ये क्या बना यहाँ पर, ये भी आइडेंटिटी बनी हमारी यहाँ पर साइन टू थीटा की। साइन टू थीटा क्या होता है, यहाँ पर होता है टू साइन थीटा टू कॉस, देखो यहाँ पर एंगल ट्वाइस है, यहाँ पर इसका हाफ होगा टू थीटा है तो थीटा आएगा, फोर थीटा होगा तो टू थीटा आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो एंगल क्या है एक्स बाय टू है, इसका ट्वाइस करेंगे तो एक्स आएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर टू साइन थीटा कोस थीटा, किसकी आइडेंटिटी बनी यहाँ पर, ये साइन एक्स, ठीक। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था
एफ ऑफ साइन एक्स बाई टू क्या लेकर आना था, साइन एक्स, और ये हमारे यहाँ पर ठीक है। तो देखो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप कर लेना, ये सभी क्वेश्चन क्या करने हैं आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पर करने हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है, एफ जीरो निकालना, एफ वन एफ माइनस वन। यहाँ पर सेकंड में एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स है, साइन हमें क्या निकालना है एफ ओ सिक्सटी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन रह गया, इसको हम प्रीवियस मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे ठीक है। बाकी जो आज का कराया वो आप कर लेना, फंक्शन को छोड़ देना, बाकी सब आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप क्या करिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए।